हाय गाइस, सो फाइनली आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाल दी है। आईसीआई ने बता दिया कि वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, एंड उस केयर को जताते हुए उन्होंने कहा हम आपके एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टपोन अनिश्चित काल के लिए। डेट ही नहीं बताई, उन्होंने कहा हमारे हाथ में थोड़ी है कोरोना। कोरोना की जो कंडीशन आज के टाइम पे चल रही है उसको कंसिडर करते हुए किसी को कुछ नहीं पता आगे होने क्या वाला है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आईसीआई ने इस बार डेट नहीं दी, क्योंकि अगर डेट दे देता फिर आप उस डेट की वेट करते कि उस डेट पे क्या होगा। अब आईसीआई ने कहा हम आपको 25 दिन का टाइम देंगे, 25 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आप अपनी जितनी तैयारी कर सकते हो कर लेना उस टाइम में टू मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, बट उससे पहले हम आपको नहीं बता सकते कौन सी डेट को एग्जाम होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप के लिए ये एक आई थिंक न्यूज़ है जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे आईसीआई के लिए से। एंड मैं बस ये कहूँगा कि अगेन आपने क्या करना है, एक वेब सीरीज़ बता रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसको आप बिंज वॉच कर सकते हो इस टाइम पे। मतलब अभी पोपट लाल की शादी का ट्रैक भी उन्होंने डाला तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में एंड यू विल एंजॉय। सो थोड़ा बहुत फ्री टाइम निकाल के आप ये सीरीज़ के अच्छे अच्छे एपिसोड्स देख सकते हो एंड काफ़ी मज़ा आ जाएगा आपको। सो इट विल हेल्प यू एक्चुअली रिलीज दैट स्ट्रेस जो अभी थोड़ा बिल्डअप हो गया होगा अंडरस्टैंडिंग की कोविड और इस तरह का टाइम चल रहा है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, अगेन काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं यार ब्रेक लो, 2-3 दिन मस्त बैठो, पढ़ जाओ, जाके पढ़ाई छोड़ो, किताबों को इधर रखो उधर रखो। भाई सिंपल सी बात मेरे से ना एक बार समझ लो, दो तरह के लोग होते हैं, 80% और 20% वाले। सो यहाँ पे भी ना अपन परेटो लगा देते हैं, SCMP का परेटो उठा के यहाँ पे झोंक ही देते हैं। तो 80% बच्चे तो वो हैं, वो नालायक, वो शरारती बच्चे, जिनकी आज की डेट में भी अगर मैं बात करूँ ना तैयारी जीत की पूरी नहीं है। उन्होंने या तो RTPs छोड़ रखे हैं या मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं। अगर उनसे आज मैं कोई सवाल पूछ लूँ या करवाने बैठ जाऊँ तो नहीं होगा वो उनसे, क्योंकि भाई उनकी पहली बार की फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन, वो काफ़ी मतलब तैयारी में कमी है। और उनको एक्चुअली इस, मैं तो कहूँगा भगवान श्री कृष्ण का वरदान है ऐसे बच्चों के लिए ये समय, ये नोटिफिकेशन कि भाई तुम्हें दे दिया है आईसीआई ने खुली छूट, ढेर सारा टाइम जहाँ तुम अपनी तैयारी को और पक्का कर सकते हो, अपनी और मेहनत कर सकते हो, और जो तुमने कमियां छोड़ रखी थी ना उनको पूरा कर सकते हो। तुम वो बच्चे नहीं हो जिनको जाके ये किताबों को साइड में रख के मस्त एक एक दो दो हफ्ते की छुट्टियां लेनी है। नहीं 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 नहीं, तुम्हें तो बेटा पढ़ने बैठना है, तुम्हें एक्चुअली इस टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि तुम मैच कर सको वो 20% बच्चों का लेवल जिन्होंने अच्छे से मन लगा के जनवरी से लेके या नवंबर से लेके अब तक अच्छी पढ़ाई करी है एंड देवर रेडी फॉर द मे एग्जाम्स। तुम रेडी नहीं थे, तुम्हें तो पढ़ना पड़ेगा। और आती है अब बात जो बच्चे रेडी थे एग्जाम्स के लिए, गुड दैट यू वर रेडी फॉर द एग्जाम्स, यू वर प्रिपेयर्ड, एंड नाउ ड्यू टू द कंडीशंस जो आपके हाथ में नहीं थी उस वजह से अब आपका एग्जाम छूट रहा है। वॉट आई विल सजेस्ट, अगर मैं आपकी पोजिशन में होता उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मैं आज भी पढ़ाई नहीं छोड़ता। आई एम नॉट सेइंग कि वो जो मैं एफिशिएंसी या यू कैन से टाइम अलॉट करके चल रहा था अपने दिन का, लाइक 10 से 12 घंटे अगर मैं पढ़ रहा था एक दिन में, तो मैं कॉन्टिन्यूसली फिर से वही 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे टाइम 10 से 12 घंटे पढ़ते रहो। बट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ना, बट ऐसा भी नहीं है कि आप ये 10 से 12 को एक या दो घंटे पे लेके आओ या बिना पढ़ने वाला। एक दो दिन बिना पढ़ने की आदत लग गई ना, बहुत गंदी आदत है, एंड यू विल स्टार्ट अगेन एंजॉइंग दैट पीरियड ऑफ नॉट स्टडिंग। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, धीरे धीरे करके टाइम को नीचे लेके आओ। अभी 10 से 12 घंटे की अगर इफेक्टिव स्टडी निकाल रहे थे और सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट है, सो ब्रिंग इट डाउन टू 8-9 hours, 6-7 hours डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेटस ऑफ स्टडीज। इसको बिल्कुल एलिमिनेट मत करना, मैं अगेन बता रहा हूँ, अगर वो गंदी लत लग गई ना पढ़ने की, मज़े से अच्छे से बहुत ज़्यादा सोने की एंड ऑल, वो फिर छूटनी मुश्किल हो जाएगी एंड गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। एंड ये चीज़ मैं खुद अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, मैंने तो ये चीज़ की ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूँ कि ये गलती से वापस आना मुश्किल कैसा है। ये मैंने अपने दोस्तों में देखी, ये मैंने अपने पीयर ग्रुप में देखी कि जिन्होंने जब जब जिनको ब्रेक मिला, जब जब आईसीआई ने एग्जाम पोस्टपोन करे, जिसने अपनी पढ़ाई में ढिलाई छोड़ी उसके रिजल्ट में भी ढिलाई आई, उसको वापस रिकवर करना मुश्किल हुआ। एंड देन अगेन यू विल बी लाइक, हमारे एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहे थे ना, इस चक्कर में मेरा मेंटल इम्बैलेंस बिगड़ा एंड मेरे को जो पढ़ाई में वो जो एक स्मूथनेस बन गई थी, वो जो फ्लो बन गया था, वो फ्लो टूट गया। सो आई डोंट वॉन्ट दैट फ्लो टू ब्रेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट इवन इन योर हैंड्स। सो वॉट आई विल सजेस्ट कि
आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए. ऑफ कोर्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेक दैट मच स्ट्रेस और दैट मच प्रेशर और डू इट इन दैट जोन, बट एटलीस्ट कंटिन्यू टू स्टे इन टच विद योर स्टडीज, बिकॉज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक विल बी डिफिकल्ट, अंडरस्टैंड मी. सो ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड. एंड जैसे सब कह रहे हैं कि भाई अपने दोस्तों से बात बात कर सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने भाई बंधुओं से बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू आर इन टच विद योर स्टडीज, बिकॉज दैट्स वॉट विल मेक द डिफरेंस एट द एंड. आज कई सारे बच्चे होंगे जो अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे, एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, दो हफ्ते का मस्त ब्रेक लेंगे, एंड जब फाइनली ऐसे एग्जाम कंडक्ट करा रही होगी एंड फाइनली उनको बैठ के पढ़ना होगा ना, डिफिकल्टी होगी वापस टू गेट बैक ऑन ट्रैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो दिस इज माई थाट. अब आपको ये चीज़ कैसी लगती है, कैसा आपको, मतलब मैंने ट्राई किया कि मैं हर सिनेरियो को कवर कर सकूं. हो सकते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके आर्टिकल से फॉर्म वाले उनको वापस बुलाएंगे, बोला अरे यार बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ना लिखना, ऐसे एग्जाम तो होते रहेंगे, आके अपना ऑडिट कराओ 31 मार्च का, मेरे लिए तो वो इंपॉर्टेंट है. तो प्रिंसिपल आके बोलेगा और मैंने सुना तुम्हारा एग्जाम एक्सटेंड हो गए, फिर आप बोलेंगे हाँ सर हो तो गए, अब क्या करें, आ जाओ वापस काम करते हैं अपन, 31 मई आ रही है, स्टेट ऑडिट निपटवाओ. तो भाई थोड़ा सा ना वहाँ पे मैनेज करके चलना, उनको बोलना भाई कभी भी डेट आ सकती है, मुझे पढ़ने के लिए टाइम दे दो, आपको स्टाइपेंड नहीं देनी तो मत दो, मेरी कम से कम पढ़ाई के साथ ऐसे गेम मत खेलो. तो थोड़ा सा अपना वहाँ पे मैनेज करके चलना एंड अल्टीमेटली सब बढ़िया होगा यार, मैं आपके साथ हूँ. कोई भी चीज़ की दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार, हम ट्राई करेंगे आपके लिए सॉल्यूशन लाने का. देखो मेरा एक ही गोल है और एक ही रोल है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप मुझे उस वो रोल देना चाहते हो तो या नहीं देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है, कि भाई सब कुछ शांति से मस्ती से निपट जाना चाहिए एंड वही होना चाहिए. तो अगर वीडियो देख के मज़ा आया तो भाई, और यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब मैंने कोई काम की बात नहीं किया, इट जस्ट दैट जो मेरे मन में है वो मैंने आपके तक पहुँचाने की कोशिश करी. अच्छा लगा लाइक करो, आपके कोई दोस्त हैं जिनके एग्जाम एक्सटेंड हुए उनके साथ शेयर करो, एंड बाकी बस बढ़िया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बस, और क्या, टिंगल लक्का लक्का, टिंगल टिंगल लक्का लक्का, बाय बाय.